भारतवर्ष में मनाए जाने वाले दीपावली के मुख्य त्योहार से दो दिन पूर्व धनतेरस पर्व का उत्सव मनाया जाता है। सभी जगह इसी दिन से दीपावली की खरीदारी तथा साफ सफाई आदि का कार्य शुरू हो जाता है। धनतेरस का दिन भगवान कुबेर जी, माता लक्ष्मी जी, धनतेरवी तथा यमराज का दिन है। धनतेरस के शुभ दिन इन्हीं देवताओं को पूजा जाता है। ये पूजन धनतेरस की संध्या और परशोध काल में संपन्न कराया जाता है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन का भी अधिक महत्व है। धनतेरस के दिन शुभ कार्य करने से आपके जीवन में धन समृद्धि तथा सुख का आगमन होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको धनतेरस के दिन कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे माता लक्ष्मी खुश होंगी और आपको धन धान्य से भर देंगी। धनतेरस के दिन ये सामान आवश्यक खरीदें। धनतेरस के दिन घर या अपनी दुकान में से पुरानी झाड़ू हटाकर उसके साथ नई झाड़ू खरीद कर लगाएं। झाड़ू में लक्ष्मी जी का स्थान माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। शाम को दीपक जलाएं। धनतेरस पर अंधेरा होते ही अपने घरों तथा दुकानों आदि के बाहर दीपक आवश्यक जलाएं। इससे धनतेरस के दिन से नकारात्मक प्रभाव तथा शक्तियां दूर होने लगेंगी। श्रीयंत्र की करें पूजा। धनतेरस पर जब आप प्रशोध काल में समय पूजन करने बैठते हैं तो श्रीयंत्र का पूजन करना गलती से भी ना भूलें। श्रीयंत्र की पूजा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि सदा बनी रहती है। कुबेर जी की पूजा करें। धनतेरस का दिन मुख्य रूप से कुबेर देवता तथा देवी लक्ष्मी जी की पूजा होती है। इस दिन आपको दीपक, खीले, बताशे, चावल, कपड़े आदि चीजों का दान करना चाहिए। नए खाते तथा बही खाते। इसके अतिरिक्त व्यापार में जुड़े लोगों को धनतेरस के शुभ दिन अपने पुराने खातों को बंद करके नए खाते तैयार कर लेने चाहिए। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।